देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। वैसे पूजा और ईशानी काफी केयरिंग है। केयरिंग का तो पता नहीं, इरिटेटिंग जरूर है। इरिटेटिंग? इरिटेटिंग कौन है? कोई नहीं। एंड बाय द वे, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। अच्छा, होली का दहन अभी शुरू होने वाला है, आप लोग उस तरफ जा सकते हैं। चलिए, अब होली के दहन का प्रोग्राम शुरू हो रहा है, चलिए इधर चलते हैं। मैंने तो बहुत इज्जत से बुलाया है, जिसको आना है आए, जिसको नहीं आना तोते उड़ाए। वैसे भी इट्स नन ऑफ माय बिजनेस। चलो चलो। ओह माय आईज, मेरी आंखें। सॉरी, दिखाओ। अरे दिखाओ ना, दिखाओ तो सही। रुको, देखने दो। इधर दिखाओ। बातों में शाम हुई रातें, ख्वाबों के नाम हुए तारे, कहानी बुनते रहे आंखें, आंखें ये भोली भोली बोली, बोली ये कैसे बोली बैठे, दोनों सुनते रहे ये चलती हवाएं। भाई फोन दिखाना। शानी कुलकर्णी, यहाँ कोई फंक्शन चल रहा है क्या? मराठी समाज का होली का दहन समारोह चल रहा है पासी में।
बोलो होलिका माता की जय। होलिका माता जी के दहन के लिए दो यजमान सामने आई है। पूजा कहाँ है? पंडित जी, आज हमारे साथ एक और परिवार है और मैं चाहती हूँ कि हमारे परिवार के बड़े बच्चे, मेरा मतलब है शिव और मेरी बेटी पूजा, ये होलिका दहन कर सकते हैं। क्यों किरण जी, मैं सही कह रही हूँ ना? यजमानों को जल्दी बुलाइए, होली के दहन का मुहूर्त निकला जा रहा है। ईशानी, पूजा तेरे साथ थी ना, जा जाके बुला कर लेकर आ। हाँ, मैं अभी देखती हूँ। आज शिव और पूजा साथ में होली का दहन करेंगे, बस ऐसे ही बहुत जल्दी वो दोनों एक दूसरे के भी हो जाएंगे। वाह सुलोचना, क्या दिमाग चलता है तेरा, वाह। तू ठीक है? ईशु, लगता है ये जयपुरी पाव थोड़ा हिल गया। भाई बहुत दर्द हो रहा है क्या? पूजा तुम ठीक हो? अब ताई ठीक है। ईशु, ईशु बहुत दर्द हो रहा है, मैं रुकती हूँ यहाँ, तू जा वहाँ, तेरी जरूरत है। नहीं ताई, लेकिन मैं तुझे ऐसे अकेले। ईशानी, मैं हूँ यहाँ पूजा के साथ, एंड ट्रस्ट मी, पूजा को कुछ नहीं होगा, तुम जाओ। नहीं, मैं ताई को। ईशु तू जा, बात तेरी जरूरत है, जा जा। मैं ठीक ना? हाँ जा। आ जाओ आराम से। कहाँ रहेगी आपकी बड़ी बिटिया पूजा, जल्दी बुलाइए, होली के दहन का मुहूर्त निकला जा रहा है। पंडित जी बस वो आती होगी। शिव बेटा आओ ना, चलो होलिका को अग्नि दे दो। नहीं 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 बेटा, तुम धूपर परिवार के बड़े बेटे हो ना, आओ ये मशाल हाथ में लीजिए। मामी मामी, वो चाहता है कब है? ईशु बेटा तू कर ले। मैं कैसे? आप आगे आ जाइए, मुहूर्त का समय बीता जा रहा है। सफर में जो तेरा साथ मिल गया है, जीने का मकसद मुझे मिल गया है, तुझसे ही मिलता है मुझको सुकून। अब दुनिया से लेना देना कहाँ है, ये इश्क
बोल। हेलो अनिकेत, तेरा फोन दिल्ली पुलिस के पास पहुंच गया है। भाई जितना जल्दी हो सके उड़ जा वहां से। हाँ भाई तू निकल वहां से, हम सीधा भोपाल में मिलते हैं। नहीं, जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाता मैं दिल्ली छोड़कर नहीं जाऊंगा। पूजा, अरे आप क्यों आए? मैं ले लेती बुक। क्या हुआ, तुम बोलते बोलते क्यों रुक गई? कोई टेंशन है? नहीं कुछ नहीं। कभी कभार आप कुछ भी ना बोलो ना, तब भी आपकी आंखें बहुत कुछ बोल जाती। क्या मैं आपका पांव देख सकता हूँ? नहीं मैं ठीक हूँ। लिसन, कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है उस दिन शिव भाई की वजह से आपके साथ होटल में क्या हुआ। वो मेरे जयपुर पाव का स्क्रू निकल गया है, इसलिए। इफ यू डोंट माइंड मैं ठीक कर दूं? अनिकेत को मिस कर रहे हो ना? मैं भी, लेकिन वो गया नहीं है मां, वो यहीं है हमारे साथ। क्योंकि हमारे अपने हमें कभी छोड़ के नहीं जाते, वो तो हमारे और करीब आ जाते हैं। और फिर ये होली तो हम अनिकेत के लिए तो सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुशी से करते हैं ना। आ जाओ। चले अंदर प्लीज। हाँ चलो। चलो ना अंदर चलिए। अरे रुको ना, मुझे आप दोनों से एक क्वेश्चन पूछना है। पूछो। आप लोगों ने अपनी कोई बैड विश होलिका माता की आग में डाली या कोई विश मांगी? दीदी आप बताओ पहले। अरे तू ना पागल है, ऐसे ना प्रार्थना पर्सनल होती है, किसी को बताते नहीं है। वैसे मैं तो 10 दूंगी पर तुझे भी बताना पड़ेगा। हाँ मैं तो बता दूंगी।
सच कहूं तो मैंने मेरे और मेरे बेबी के लिए अच्छी हेल्प मांगी। पर दीदी ये सब तो ठीक है, आपको ना अपनी बैड हैबिट सैक्रिफाइस करनी चाहिए होली का मजा। तू ना पागल की पागल रहेगी, ऐसा किसी रूल बुक में थोड़ी ना लिखा है। अच्छी प्रार्थना भी मांग सकता है। ईशानी दी आप ही बताओ मैं कुछ गलत बात बोल रही हूँ। मैं तो सिर्फ इतना ही जानती हूँ कि अगर सच्चे दिल से प्रार्थना करो ना तो होलिका माता आपकी सारी बुराइयां खुद खत्म कर देती है। हाँ ये बात तो है। शिव भैया को ना अपना पावर वाला गुस्सा आज डाल देना चाहिए था होलिका माता की। हेलो, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। सो प्लीज चले अंदर चलो। बेटा तुम ओए दीदी इतने मक्खी ते मिठाई सारे एक सही है। चलो प्रसाद लेके छत्ती घर चलते हैं। आओ यश हमेशा ऐसे एक्ट करता है जैसे सिर्फ मैं लंबा हूं। लुक एट दैट गाय। पर तेरे साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। तू इंटेलिजेंट और हाइट के मामले में अलग लेवल पे चलता है। हो गया आपका? हाँ हो गया। अब अंदर चलें। बहुत भूख लग रही है यार। चलना ही यार। यार मुझे तो अभी भी बिलीव नहीं हो रहा। इतना बड़ा फैशन डिजाइनर यश दूपर हमारे साथ होली मना रहा है। मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है। बस एक बार वो मुझे अपनी मॉडल बना लेना, मेरी तो लाइफ ऐसे सेट हो जाएगी। मेरे फॉलोवर्स कितनी जल्दी बढ़ने लगेंगे सोच। मिस मुंबई अभी रियलिटी में आ जा। दिल्ली के टॉप मॉडल्स की कमी है उसके पास, जो तुझे नोटिस करेगा वो। हाँ तो क्या तुझे नोटिस करेगा वो? मिस भैया तुझसे तो बेटर हूँ मैं। अच्छा शक्ल देखी है तूने अपने? पूरन पुली खा और चल। अटेंशन अटेंशन अटेंशन, आभार सत्कार और शुभ विचारों के साथ आप सबका हमारे होलिका दहन के प्रोग्राम में स्वागत है। हर साल की तरह इस साल भी होलिका दहन के प्रोग्राम को रंगारंग बनाने के लिए आप सबके बीच स्टेज पे आ रही है इस मोहल्ले की शान जान पहचान ईशानी कुलकर्णी। ईशानी डांस भी करती है? हाँ सर, ईशानी बहुत अच्छा डांस करती है। हर साल होलिका दहन में सब लोग उसके डांस का इंतजार करते हैं। आप देखेंगे ना तो आप भी हैरान हो जाओगे। अरे क्या कर रही है, जल्दी चलना वरना तेरे वजह से ना हम ईशानी का डांस मिस कर देंगे। टेंशन मत ले, ईशानी का डांस देखे बगैर हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ईशानी
ईशानी डांस करने वाली है। ईशानी का डांस देखे बिना मैं यहां से नहीं जा सकता।